हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारी यूनिट सेकेंड का लास्ट वीडियो है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं सेकेंड यूनिट मैंने स्टार्ट किया था और आज सेकेंड यूनिट का लास्ट वीडियो है एनकोडर टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इससे पहले वीडियो में डिकोडर पढ़ा था फिर उससे पहले डी मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से फटाफट और अपने बाकी दोस्तों से भी कराइए दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिए ठीक है देखिए मैं एनकोडर आज लेकर आया हूँ एनकोडर क्या होता है एक्चुअल में जैसे हमने डिकोडर पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में उसका इन्वर्स ऑपरेशन होता है एनकोडर ठीक है अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में डिकोडर पढ़ा था ना उसका इन्वर्स प्रोसेस होगा हमारा इनकोडर ठीक है तो यानी कि जैसे डिकोडर में हमने क्या देखा था डिकोडर में हमने ये देखा था कि या अगर हम थ्री इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हमें कितने एट आउटपुट्स मिल रहे हैं ठीक है यानी कि टू की पावर इनपुट एन इनपुट अगर हम अप्लाई करते हैं तो फिर हमें एम आउटपुट मिलते हैं यानी कि टू की पावर एन इनपुट होंगे और इसके इक्वल हमारे एम आउटपुट मिलते हैं ठीक है यानी कि अगर हम टू इनपुट अप्लाई करें तो टू टू दी पावर फोर यानी कि टू 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 पावर टू इक्वल्स टू फोर यानी कि टू इनपुट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो फोर हमें आउटपुट मिल जाते हैं तो टू टू फोर थ्री टू एट हमने ऐसे डिकोटर वो हाँ डिकोटर पढ़े थे आज हम एनकोडर लेके आए तो एनकोडर क्या है इसका रिवर्स प्रोसेस होता है रिवर्स प्रोसेस मतलब ये होता है एक तरह से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर ठीक है एन एनकोडर हैज एन नंबर ऑफ द इनपुट लाइंस एंड एम नंबर ऑफ द आउटपुट लाइंस ठीक है एन एनकोडर प्रोड्यूस एन एम आउट एम बिट बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू द डिजिटल इनपुट अब ये क्या है ये एक सिंपल इसका बेसिक ब्लॉक डाइग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ये यह है जिसमें हम एन तो इनपुट लाइन्स यूज़ कर रहे हैं और एम हमें आउटपुट लाइन्स यहाँ पर मिलने वाली हैं ठीक है, है? चलिए तो इसको आगे देखते हैं यह भी काफ़ी टाइप का होता है ऐसा नहीं कि एक ही टाइप या दो टाइप होते हैं जैसे हमने डिकोडर में पढ़ा था कि थ्री टू एट या टू टू फोर डिकोडर इसी तरह से हमारा एनकोडर भी क्या होता है काफ़ी टाइप का होता है जिसमें चार टाइप का मैं लेके आया हूँ आपके सामने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ठीक है प्रायरिटी एनकोडर होता है बीसीडी टू डेसिमल एनकोडर ऑक्टेल टू बाइनरी और हेक्सा डेसीमल टू बाइनरी एनकोडर ठीक है चलिए तो इनको हम देख लेते हैं कि इनमें है क्या क्या देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी एनकोडर आता है प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है इसमें हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एनकोडर प्रायोरिटीज आर गिवन टू द इनपुट लाइंस इफ़ टू और मोर इनपुट लाइंस आर वन एट द सेम टाइम Then the input lines with highest priority will be considered. यानी कि ये कह रहा है कि मतलब इसमें ये होता है कि अगर हमारा कभी कभी क्या होता है कि एक सेम ही टाइम पर दो इनपुट्स अगर हमारे हाई हो जाते हैं तो उन पे जो हाई प्रायोरिटी वाला इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है ठीक है चलिए अब जैसा हमें पता है देखिए हमारा क्या होता है दो इसमें आउटपुट्स हैं यहाँ पर और चार हमने इनपुट्स अप्लाई किया यानी कि फ़ोर टू टू हो गया हमारा ये ठीक है अब देखिए इसमें क्या होगा इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे हमारा जैसे हमारा आउटपुट्स हैं आउटपुट्स क्या है? जिरो जिरो आएंगे जीरो जीरो आएंगे ज़ीरो वन आएगा या वन ज़ीरो आएगा या वन वन आएगा ठीक है ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो आउटपुट के लिए तो ये कब होता है जब हमारे चारों ज़ीरो हो जाएंगे यानी कि चारों इनपुट ज़ीरो हो होंगे ये कब होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ये क्या है वन यानी कि जब हमारा जो डी नॉट है यानी कि जो डी नॉट है वो जब हमारा नहीं सॉरी डी वन जो है जब वो हमारा हाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला आउटपुट आएगा ठीक है जीरो वन और ये कब होगा जब डी टू हाई होगा डी टू हाई होगा तो ये हो गया इस तरह से और जब ये वाला कब होगा वन वन कब होगा जब हमारे डी थ्री जो है वन होगा बाकी सारे जीरो होंगे ठीक है ठीके? तो उस केस में ये वन वन आएगा ठीक है चलिए मैं टेबल में दिखा देता हूँ टेबल में तो इसमें क्या है हमने ये मान रखा है कि जो हमारा डी नॉट है वो तो लोएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी है और जो डी थ्री है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट है ठीक है तो चल चलिए इससे देख लेते हैं हम क्या है अब देखिए इसमें क्या है? हमने डी नॉट लोएस्ट हो गया डी वन डी टू एंड डी थ्री हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने इनपुट अप्लाई किया देखिए ये वाले हमारे इनपुट्स हैं ये जो हमने डी वन डी टू माना ये इनपुट्स माना है ये लोअर प्रायोरिटी इनपुट है ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट है ठीक है बेसिक जो है मेनली हमारे क्या है इनपुट डी वन और डी टू हैं तो जब हमारे स्टार्टिंग में हमने जीरो अप्लाई किया सब कुछ जीरो है तो ये क्रॉस मतलब डोंट केयर कंडीशन देगा कि शायद डोंट केयर का मतलब ये है कि शायद जीरो भी हो सकते हैं या वन भी हो सकते हैं या कुछ मतलब या तो जीरो होंगे या वन होंगे इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है दूसरा क्या है कि जब हम ये वाला इनपुट देंगे यानी कि लोअर लोएस्ट प्रायोरिटी को हाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा जब लोएस्ट प्रायोरिटी हाई हो हमारी जीरो मतलब वन होगी लोएस्ट प्रायोरिटी यानी कि डी नॉट बट हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी जीरो है यानी कि डी थ्री जो है वो जीरो है तो इस केस में क्या होगा कि आउटपुट में क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है ठीक है यानी कि हाइस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है ठीक है अब इसके बाद क्या होगा जब हमने इसको वन किया इसको वन किया तो इसका मतलब क्या है हमने डी वन को वन किया तो हमारा जो वाई नॉट है वो हमारा क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा बाकी ये जो है डोंट केयर कंडीशन है चाहे ये ज़ीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है ठीक है अब अगला केस क्या के हमने इसको वन किया है अब ये चाहे जीरो हो या वन हो ये कुछ भी हो सकते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा डी वन हमारा वन हो जाएगा अब यहाँ पर हमने डी थ्री को हाई कर दिया अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो इस प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे दोनों इनपुट्स क्या हो जाएंगे हमारे दोनों आउटपुट्स क्या हो जाएंगे हाई हो जाएंगे ठीक है तो यानी कि ये जो प्रायोरिटी एनकोडर होता है प्रायोरिटी बेस्ड होता है यानी कि जो हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है ठीक है यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसा ही समझा रखा है आप इस थ्योरी को नोट कर लीजिए और पॉज करके वीडियो को नोट करना चाहते हैं तो इसको एक बार ही पढ़ लेना ठीक है चलिए देखिए अब जैसे हमने ये हमने एक चीज़ और होती है इसमें ये वी वी यानी कि आउटपुट इंडिकेटर होता है यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है ये क्या होता है जब जितने भी इनपुट हैं इनमें कम से कम एक भी इनपुट अगर हमारा हाई होता है तो ये हमारा क्या होता है हाई होता है अदरवाइज़ ज़ीरोता है तो जीरो के केस में ये डोंट केयर आउटपुट हो गए हमारे बाकी हाई के, के केस में यानी कि हाई कब होगा जब एक भी इनपुट हमारा क्या होगा हाई होगा और जैसे ही हाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे आउटपुट्स भी देगा जो भी होगा ठीक है चलिए अब हमने जैसे ये हमने वाई नॉट और वाई वन हमने यहाँ पर देख लिया अब इन वाई नॉट और वाई वन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया के मैप सॉल्व किए ठीक है के मैप हमने सॉल्व किए के मैप हमने यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ठीक यानी कि जो जो हैं उसमें डी टू डी थ्री हमने दिखा दिए इनपुट्स ये और इनकी क्या करा हमने पेयरिंग कर ली ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें अब इसके बाद हमने क्या करना है ये सॉल्व करने हैं ठीक है ठीक है तो ये जो के मैप दिखाया गया है यहाँ पर इन्होंने पूरे यानी कि यहाँ पर क्या लिया है देखिए इनपुट जो हैं डी नॉट से लेकर डी थ्री तक उन यानी कि टोटल कितने हैं फोर इनपुट्स हैं तो फोर इनपुट्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं सिक्सटीन तो उसी उसी लिए हमने यहाँ पर सिक्सटीन वाला के मैप यूज़ किया है और ये जो के मैप सॉल्व किए गए हैं सिक्सटीन के लिए ही सॉल्व किए गए हैं इस ऊपर वाले जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग नहीं है सिक्सटीन के लिए ही ये यूज़ किया गया है ठीक है चलिए तो इसमें क्या होगा आगे हमने जो जो हमारे उसमें हाई होंगे सिक्सटीन के लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें आप बना के देख सकते हैं तो जब बनाएंगे जो जो हाई होंगे उन पर हमने वन कर लिए यहाँ पर और वन करने के बाद हमने क्या किया पेयरिंग कर ली पेयरिंग करने के बाद हमने अपना वही एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया एक्सप्रेशन डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन डिज़ाइन करने के बाद हम अपने ये जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है सिंपली जैसे पहले से करते हुए आ रहे हैं ये आप सीख ही चुके हैं ठीक है थीके? अब देखिए जो सेकंड आता है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर में क्या है इसमें कुछ नहीं है सिंपल है बाकी तो सारे जितने भी हैं डेसिमल टू बी में क्या है कि डेसिमल जो है हमारा कितने होंगे नौ इनपुट हम यानी कि कुल मिलाकर दस होते हैं जीरो से लेकर नाइन तक के जो नंबर्स हैं वो इनपुट पर अप्लाई करेंगे और बी में चार आउटपुट होते हैं तो चार हम यहाँ पर आउटपुट लेंगे ठीक है ए बी सी डी तो हमने क्या किया यहाँ पर ट्रुट टेबल जब डिज़ाइन की तो ट्रुट टेबल वही डिज़ाइन की जो तो हमने इनपुट्स हैं जीरो से, से लेकर नाइन तक के वो सारे लिख दिए और उनके अकॉर्डिंग जो बी सी डी नंबर्स बन सकते हैं वो नंबर्स हमने यहाँ पर यहाँ पर आउटपुट पर दिखा दिए ठीक है जो इनके अकॉर्डिंग बनते ही हैं ठीक है थीके? वो नंबर्स बनाने के बाद हमने क्या करना है है, हमने ये देखा ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा ए बी सी डी इस तरह से हमने ले लिया तो हमारा जो ए बी सी डी है वो एक्सप्रेशन कौन कौन से हाई है जिन जिन नंबर पर हाई है वो वो नंबर हमने यहाँ पर नोट कर लिए और नोट करने के बाद इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया अपने ये लॉजिक डायग्राम यहाँ पर डिज़ाइन कर लिए यानी कि जिस जिस पर जो जो हाई था वो वो हमने यहाँ पर दिखा दिए जैसे ए पर जितने भी नंबर्स हमारे हाई थे वो सारे नंबर्स हमने यहाँ पर दिखा दिए ऐड कर दिए इसमें ऐसे ही बी पर ऐसे ही सी पर ऐसे ही डी पर तो सिंपली हम ये डेसिमल नंबर टू बी सी डी एनकोडर इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद आता है ऑक्टेल टू बाइनरी तो ऑक्टेल टू बाइनरी हमें पता है ऑक्टेल में कितने होते हैं जीरो टू सेवन यानी कि कुल मिलाकर एट नंबर्स होते हैं ठीक है तो जीरो टू सेवन हमने यहाँ पर ये यह यूज़ कर लिए यानी कि एट हो गए तो हमारे तीन आउटपुट्स हमारे यहाँ पर दिखा दिए हमने ठीक है बी नॉट बी वन बी टू तो यानी कि यहाँ पर एट हमारे इनपुट्स हैं और थ्री जो है वो हमारे क्या हो गया आउटपुट्स हो गए तो ठीक है तो यहाँ पर डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री ये क्या है हमारे ऑक्टेल नंबर्स हैं यहाँ पर डी की फॉर्म में दिखा रखे हैं जीरो टू सेवन ठीक है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बाइनरी नंबर्स बनते हैं वो हमने यहाँ पर दिखा दिए उसी के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट जो हैं वो हाई होंगे ठीक है अब इसके बाद क्या होगा जो जो हाई है वो हम हमने यहाँ पर नोट कर लिए बी नॉट में जो जो हाई है बी वन में जो जो हाई है और बी टू में जो जो हाई है ठीक है वो नोट करने के बाद फिर से हमने अपना वही सिंपल लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया ये सारे नंबर्स ले लिए यहाँ पर जो जो हाई है जिस जिसमें उसको ऐड कर दिया यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने क्या किया सीधा आउटपुट यहाँ पर दिखा दिया ठीक है और ऐसे ही जैसे हमने ऊपर ये वाला इसमें किया था वैसे ही से हमने यहाँ पर इसमें भी किया है ठीक है फिर उसके बाद सेम ऐसे ही आता है एकसा डेसीमल टू बाइनरी एनकोटर एक्सा डेसीमल टू बाइनरी एनकोटर में भी कुछ नहीं है इसमें हम हैक्सा डेसीमल यानी कि टोटल सिक्सटीन यानी कि जीरो टू फिफ्टीन यानी कि जीरो टू नाइन और फिर ए बी सी डी ई एफ तक ठीक है वो नंबर्स यहाँ पर सारे हम ले लेंगे लेने के बाद इस उनके अकॉर्डिंग ये इनपुट्स हो गए हमारे यानी कि टोटल सिक्सटीन इनपुट्स हो गए तो फोर आउटपुट्स हो जाएंगे तो फोर आउटपुट्स हमने ले लिए और उनके अकॉर्डिंग जो जो बाइनरी नंबर्स बन सकते हैं वो हमने बाइनरी नंबर्स बनाए उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखा बी नॉट पर जो जो हाई है वन है वो हमने ले लिए बी वन पर जो हाई है वन है वो हमने यहाँ पर ले लिए बी टू पर जो हाई है वन है वो हमने यहाँ पर ले लिए बी थ्री पर जो हाई है वन है वो हमने यहाँ पर ले लिए ठीक है बस फिर उसके बाद हमने क्या किया इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने अपना लॉजिक डाइग्राम भी डिज़ाइन कर लिया ठीक है सिंपली ये तो कर ही सकते हैं आप कई बार हम सीख चुके हैं ठीक है चलिए तो ये तो हमारा इनकोडर था ये भी आज कम्प्लीट हो गया आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हुए थे ऑलमोस्ट वो मैंने सारे कम्प्लीट कर ही दिए हैं अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं अब नेक्स्ट यूट का लेकर आऊँगा ठीक है चलिए वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा बोल दीजिए कि वो भी ये वीडियोज़ देखें वीडियो देखने के लिए उनको भी ठीक है चलिए